गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर साइंस ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल हैव अ रिवीजन ऑफ दिस लेसन इन द फॉर्म ऑफ किक स्क्रॉल। हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लिविंग प्लेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज देयर हैबिटेट। किसी भी प्लांट की जो लिविंग प्लेस है उसको क्या कहते हैं, उसका हैबिटेट। जैसे आप जहाँ रहते हैं वो आपका क्या है, घर है। उसी तरह जो प्लांट जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट बाय डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इज नोन एज एडेप्टेशन। और एनवायरनमेंट में जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके आपसे अपने आप को एडजस्ट करने को क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। एक्वेटिक प्लांट्स आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दे मे बी टोटली सबमर्ज और पार्शली सबमर्ज और फ्री फ्लोटिंग। वो तीन तरह के होते हैं, जैसे सबमर्ज यानी डूबे हुए, आधे डूबे हुए और फ्री फ्लोटिंग। टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स ग्रो इन नॉर्मल कंडीशंस। मॉडरेट मतलब होता है नॉर्मल कंडीशंस विद मॉडरेट वाटर। नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, मॉडरेट वाटर इन द सॉइल होता है। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइक हाई टेम्परेचर, बहुत ही जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, जैसे कि डेजर्ट होता है, वेयर द सॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल वाटर और वहाँ की जो मिट्टी है उसमें पानी बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज सम प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो अदर प्लांट्स पे उगते हैं। देखिए आपको पैरासिटिक और एपिफाइटिक में डिफरेंस ये होता है कि जो एपिफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो दूसरे प्लांट पे उगते हैं पर वो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। लेकिन जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना पैरासिटिक होते हैं, वो अपना खाना नहीं बनाते। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे एपिफाइट्स में और पैरासिटिक प्लांट्स में, तो पैरासिटिक प्लांट्स भी दूसरों पे उगते हैं लेकिन अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स विच ग्रो इन द सॉइल। जो प्लांट्स ऐसी जगह में उगते हैं जहाँ नाइट्रेट्स कम होते हैं तो वो क्या करते हैं, ट्रैप द इंसेक्ट्स। वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। दीज आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इनको कहते हैं इंसेक्टिवोरस क्योंकि वो इंसेक्ट्स खाते हैं। फंजाई लाइक मशरूम एंड अदर फंजाई लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और जो फंजाई होती हैं, कौन कौन सी, मशरूम, वो डेड एंड डिकेइंग जो सड़े गले ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर रहते हैं। दीज आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। इनको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। सम प्लांट्स लिव ऑन अदर प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं वो जो अदर प्लांट्स पे रहते हैं, ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम और उन्हीं से खाना खाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक यानी परजीवी प्लांट्स। सो अब हमारे लेसन में क्या क्या की वर्ड्स आए, जो मेन डेफिनेशंस है। फर्स्ट इज प्लांट कम्युनिटी, यानी प्लांट्स का जो कम्युनिटी है वो क्या है। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। अलग अलग तरह के पौधे एक एरिया में जब होते हैं तो उसको कहते हैं प्लांट कम्युनिटी। जैसे हम लोग अलग अलग लोग एक ही शहर, एक ही कॉलोनी में रहते हैं तो वो हमारी क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। अब है हैबिटेट, लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस होता है उसका हैबिटेट। एडेप्टेशन क्या होता है, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में ढाल लेना। एडजस्टिंग टू वेरियस हैबिटेट्स। मीसोफाइट्स, जैसे कि आपको मीसोफाइट जहाँ पे मॉडरेट वाटर होता है। प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड आर नोन एज मीसोफाइट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मीसोफाइट्स को और क्या कहते हैं, लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन और फॉर रिप्रोडक्शन, और उन्हीं से वो अपना खाना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब है सेप्रोफिटिक, ये सब हमने पीछे पढ़ा है, फिर से सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। प्लांट्स लाइक फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल, और सेप्रोफाइट्स डेड और डिकेइंग मटीरियल से, ऑर्गेनिक मटीरियल से अपना खाना पाते हैं। ज़ीरोफाइटिक, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन ड्राई डेजर्ट लैंड आर नोन एज ज़ीरोफाइट्स। ओके, तो ये तो हम लोगों ने इसका एक क्विक स्क्रॉल पढ़ा लेसन का, तो उसी पे बेस्ड हमारे पास एक प्रैक्टिसम जोन है जिसमें इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लिविंग प्लेस इज नोन एज, किसी भी जगह का जो लिविंग प्लेस होता है उसको अभी क्या बोला था, उसको कहते हैं हैबिटेट। एडेप्टेशन तो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढालना। प्लांट कम्युनिटी, अलग अलग तरह के प्लांट्स एक जगह पे जब होते हैं तो उनको प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज हैबिटेट।
garden. Vallisneria and hydrilla are, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रिला यानी हाइड्रोफाइट्स हो सकता है. और ये तो पता है कि हाइड्रोफाइट्स हैं तो ज़ीरोफाइट्स तो डिजर्ट वाले हो गए, पार्शली सबमर्ज भी नहीं है, फ्री फ्लोटिंग भी नहीं है. तो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला कैसे हैं? सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, जो पूरी तरह पानी में है. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. यहाँ पे फोर ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक है आपका इंसेक्टिवोरस. कौन सा नहीं? संड्यू भी है, पिचर प्लांट भी है, विनस प्लांट भी है, और कौन सा बचा? डॉडर प्लांट. तो डॉडर प्लांट नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको, डॉडर प्लांट क्या है आपका, देखिए डॉडर प्लांट क्या है, पैरासिटिक प्लांट जो दूसरे से परजीवी है. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. और जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग पे उनको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ज़ीरोफाइट. अब है कि ज़ीरोफाइट जो होता है डेजर्ट प्लांट, उसका एग्जाम्पल क्या है? एल्गी भी नहीं है, फर्न भी नहीं है, फंजाई भी नहीं है, तो उसका करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस. तो चिल्ड्रन आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. आप लोग आपका जो प्रैक्टिसम जोन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आप बुक नहीं करिएगा. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.